हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। तो आज करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन 3 है उसका हम लोग पार्ट 5th एंड 6th करेंगे। और इससे के पहले की वीडियो में बाकी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, सो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी उसे जाके देखिए, क्योंकि अगर आप उसे देख लेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकेम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कह रहा है। इफ एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको उसके बोले न्यूमरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन आपको पता है, जैसे लिखा है 2/3, सो ये हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर, ये हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, सो वही कह रहा है, एक फ्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं सो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, 9/11। ठीक, If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Again, जब उस fraction में 3 add करते हैं, so fraction क्या बन जाता है? 5/6. So हमें क्या बताना है? Find the fraction. हमें वो fraction पता करना है कि fraction हमारा क्या होगा. So चलिए आते हैं question पे. ठीक है? So आते हैं solution पे. क्या fraction हमें पता है? नहीं पता भैया. So let करते हैं let. The fraction be, fraction क्या मान लेते हैं x upon में y, क्योंकि इसी फॉर्म में तो होता है ना x upon y। ठीक, सो ये हमने मान लिया फ्रैक्शन। अब देखिए, अब कंडीशन आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इस फ्रैक्शन में क्या करना, 2 ऐड करना है, मींस x प्लस में 2 अपॉन में y प्लस में 2, यही तो कह रहा है। इसको अगर करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है, 9/11। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए, 11 ब्रैकेट में x प्लस में 2 इस प्लस टू में 9 ब्रैकेट में y प्लस में 2। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 11x प्लस में 22 इस क्वेश्चन में 9 बाई प्लस में 18। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, y वाले टर्म को इधर ले आते हैं, 11x माइनस में 9y इस क्वेश्चन में 22 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, मीन्स 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या किया, पहले कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन अगेन वाली इक्वेशन बना दी। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम्स 5/6। एन मींस क्या है, न्यूमरेटर, डू मींस क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, सो देखिए सेकंड कंडीशन में अगर हम उसमें 3 ऐड करते हैं, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं सो हमारा क्या बन जाता है, 5/6। तो ऐड करते हैं, चलिए एक्स प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 क्या बन जाता है, 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 6x प्लस में 18 5y प्लस में 15। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 6x माइनस 5y, 18 उधर जाएगा, माइनस मींस माइनस 3। ये हमारी हुई कंडीशन नंबर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, चलिए वो भी देखते हैं। किसी एक से इससे निकालते हैं एक्स वैल्यू निकालते। ठीक है, सो इससे अगर एक्स वैल्यू निकालेंगे सो 6x इज इक्वल टू में माइनस 3, ये प्लस का माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये क्योंकि क्या है 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, आप क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, आइए पुट करते हैं, 11 एक्स के लिए कितने देना है, माइनस 3 प्लस 5 वाई अपॉन में 6।
ब्रैकेट माइनस नाइन वाई इसक्वल्स टू में माइनस का फोर। ठीक है, सॉल्व करते थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, सिक्स, नाइन सिक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 54 वाई। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, वन लिया इसलिए एलसीएम लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इलेवन थ्री से 33 माइनस का 33, इलेवन फाइव से 55 वाई। ठीक, माइनस 33 प्लस का 55 वाई माइनस 54 वाई इस क्वेश्चन में माइनस का 4। ठीक, आप देखिए वाई वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल माइनस 33 माइनस का वाई इस क्वेश्चन में माइनस का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन 6 हो जाएगा 24 माइनस का, सो वाई हम वैल्यू हमारी क्या है, माइनस वाई इस क्वेश्चन में माइनस 24, ये प्लस का 33 हो जाएगा, मीन्स वाई की बराबरी कितनी आ जाएगी, नाइन। यहाँ पे माइनस 55 वाई, यहाँ पे 54 वाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू अभी हमारी 9 है। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। अब हमें किसकी चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए, सो एक्स वैल्यू क्या करेंगे, इसे पुट करते हैं इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू, सो पुट करते हैं चलिए, एक्स इज इक्वल टू में माइनस 3 प्लस में 5, वाई की वैल्यू कितनी, 9 अपॉन में 6, मीन्स एक्स इज इक्वल टू में माइनस 3, 9 5 से 45 अपॉन में 6, मीन्स 42 अपॉन में 6, मीन्स एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स। अब हमें हम क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने लेट किया था एक्स अपॉन में वाई, एक्स वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7, वाई वैल्यू हमारी कितनी है, 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लेयर आंसर। ठीक है, सो तब तक के लिए इसे नोट करिए, तब तक के लिए आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। सो चलिए देखते हैं पार्ट 6 क्या कह रहा है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब हेंस मींस अभी, या फिर 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी वो 3 टाइम्स ज्यादा होके किसके, उसके सन से। ठीक, 5 ईयर एगो, एगो मीन्स बाद में, जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मीन्स जो जैकोब 5 साल पहले जो जैकोब की एज हुई वो 7 टाइम्स होगी उसके सन से। ठीक, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब उन दोनों की हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। अब ये क्वेश्चन देखने में तो आप लोग को थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा होगा, ठीक है, बट डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए स्टेप वाइज समझते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि इनकी प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लेते हैं। ठीक, लेट द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज को हमने मान लिया एक्स, एंड अगेन द एज ऑफ सन, उसके सन की एज को हमने क्या मान लिया, वाई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेट हमने कर लिया जो उसकी जैकोब की एज है एक्स एंड उसके सन की एज है वाई। अब क्वेश्चन देखते हैं, 5 ईयर हेंस, हेंस मींस बाद में, ही तो बताया था ना, 5 ईयर हेंस, इस कंडीशन में जो जैकोब की एज होगी वो क्या होगी बताइए। अब देखिए 5 ईयर हेंस, तो हेंस मींस 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, सो वही चीज पहले इसमें इन दोनों में 5 साल ऐड करते थे जिससे हमें हमारी कंडीशन मिल जाएगी। सो मैंने सिंपली क्या किया, 5 ईयर हेंस, हेंस इस बात की बात कर रहा है, सो जैकोब की एज 5 ऐड कर दिया ताकि हम वहां फ्यूचर में पहुंच सके। ठीक है, अब ऐसा जाना तो पॉसिबल है नहीं, बट क्वेश्चन में चले जाते हैं क्योंकि मैथ में तो भाई कुछ ही पॉसिबल है, क्यों। सो क्या किया, जैकोब की एज में 5 ऐड कर दिया, लेकिन उसके सन की एज में 5 ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है, जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स, उसके जैकोब की एज 3 टाइम्स ज्यादा है किसके, उसके सन से। सो अगर हमें इन दोनों की एज को इक्वल करनी पड़ेगी तो बताइए क्या करेंगे, सिंपली उसके सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एक्स प्लस 5
इस क्वेश्चन में 3, वाई प्लस में 5। सिंपली मैंने क्या किया, इन दोनों की एज को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। सो एक्स प्लस 5 इस क्वेश्चन में 3y प्लस में 15 मीन्स एक्स माइनस 3y इस क्वेश्चन में 10। ये हमारी हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हमारी हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब आते हैं कंडीशन नंबर सेकंड में, वो क्या कह रहा है। 5 ईयर एगो, अब 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, सो वो भी लिख लेते हैं। 5 ईयर एगो, एगो मीन्स पहले, पहले मीन्स दोनों की एज में क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तभी तो वहां पे पहुंच पाएंगे ना। एक्स माइनस 5, उसके सन की एज में भी क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। अब हम आ गए 5 साल पहले। अब 5 साल पहले देखते हैं क्या होता है इन लोग के साथ। जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकोब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से। सो अगर ये 7 टाइम्स है तो मुझे इसके सन की एज को भी 7 टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। सो वही करेंगे, एक्स माइनस 5 इस क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया वाई माइनस 5, जिससे हमें हमारी क्या हो गई, दोनों की एज इक्वल हो गई, ठीक। अब इस पे किसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 5 इस क्वेश्चन में 7 वाई माइनस में 35, अगेन एक्स ये प्लस के धरा के माइनस का 7 वाई इस क्वेश्चन में माइनस का 35 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं है। आप देखिए दो कंडीशन मिल गई, इसी एक से एक्स वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर देंगे, सिंपली वाइज सब्सटीट्यूशन मेथड। सो ये करते हैं, किससे निकालते हैं, इससे एक्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर एक्स वैल्यू निकालेंगे, सो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 3 वाई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक। इस यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू को उठा के इसे पुट कर देते हैं सेकंड में। सो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। आइए पुट करते हैं, एक्स वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3 वाई। 10 प्लस 3 वाई माइनस 7 वाई इस क्वेश्चन में माइनस का 30, ठीक है। सिंपली करके एक्स वैल्यू को पुट कर दिया। अब आइए 10 कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 3 वाई माइनस का 7 वाई माइनस का 4 वाई इस क्वेश्चन में माइनस का 30 मीन्स अगर ऐसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, सो माइनस 4 वाई ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, मीन्स माइनस का 40, ठीक। सो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमारी आ गई 10। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की, मींस y जो उसके सन की एज है वो कितनी है, 10 साल। अब हमें किसकी एज निकालनी है, जैकोब की। सो आइए जैकोब की एज निकालते हैं। जैकोब की एज निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर देंगे। पुट The value of y in equation star, ठीक है, equation star में put कर देते हैं। equation star क्या क्यों है, 10 प्लस 3 वाई, x is equal to 10 प्लस 3 वाई। सो x is equal to 10 प्लस 3 वाई की वैल्यू कितनी है, 10। सो कितना हो जाएगा, 40। ये किसकी आ गई, उसके जैकोब की, मतलब उसके पापा की। सो अब हमें हमारे रिक्वायर्ड आंसर मिल गए। अब सिंपली हमें यहाँ पे लिख देना है द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। प्रेजेंट एज किस जैकोब की कितनी है, 40, एंड हिज सन इज 10 ईयर्स। अब देखिए यहां तक देख लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिए क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बताया। सो ये क्वेश्चन यहीं पे
एंड होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।